आप 26 तारीख में देख रहे हैं लखनऊ की, लखनऊ से लोग आई हैं, पुरुष लोग बाहर बैठे हैं, ये महिलाएं सब बैठी हुई हैं। तो आप सभी लोग इनसे सीखें, एक मिनट, आप सभी लोग इनसे सीखिए। हर आदमी दिल्ली से, अमेरिका से, आप कहीं से आवें, पैसा दे दो, पैसा दे दो। अरे बूढ़ा बाबा आपका पैसा देके क्या करेगा, अकेले उसको मरना पड़ेगा। सीखिए इन लोगों से। आपका नाम? रेणु मिश्रा। मिश्रा, रेणु मिश्रा बगल में। आपका माता जी का नाम जो है बताइए आप। सोना देवी। हैं? सोना देवी। आपका? कांति मिश्रा। कांति मिश्रा। कांति मिश्रा हमारी भाभी जी। आप? सुशीला मिश्रा। अच्छा, और? सुमिता मिश्रा जी। अब आप इस मिश्र बंधु की महिलाएं हैं, पुरुष वर्ग बाहर बैठा हुआ है, ये लोग आज मनों में रोटी लेके आए, मनों में चना लेके आए और हमको लेके गए, तो अच्छा लगा। आज का भोज देखने योग्य था। तो कम से कम आप लोग इनसे लखनऊ वालों सीखो, आप लोग भी लखनऊ में इन बातों को लोगों को राय दीजिएगा कि भैया वो बाबा जी को ना पैसा मांगते हैं, आपसे कुछ नहीं लेते हैं, आपको रास्ता बताते हैं, आप लोग स्वयं करो। अब बाबा जी को आप पैसा दीजिएगा, बताओ बाबा क्या करेंगे, हैं? अब आज 50 किलो आटा मैं लेके आया हूँ, अब वो रोज़ रोटी की लड़की बनाती है, उससे काम चलेगा, वो तो हमारी मजबूरी है। लेकिन कोई हर आदमी दिल्ली से आए, बाबा जी वो पैसा दे दो, बाबा जी केला ले आओ। अब बाबा जी के पास यही काम तो है नहीं, अकेले आदमी, फिर तो भैया हमारा अच्छा व्यवहार है। तो कुल मिला के हमें आज बड़ा गर्व हो रहा है हमारे मिस्र बंधु पर कि देखो हिंदुस्तान के लोगों कि आज भी मिश्रा लोग सबसे आगे हैं, है कि नहीं? मिश्रा लोग सबसे आगे हैं, मुझे बड़ा गर्व हो रहा है इस बात से। तो अरे बाप रे, रात भर ये लोग जागी हैं 1 बजे तक और मनों में रोटी बनाया। नहीं, अब आप लोगों की मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आप लोगों को पूरी छनवाइए, काले वाले बंदर खाएंगे और भीगा चना ले आइए बंदर के लिए, बस। बाकी अब रोटी बनाने की मुसीबत नहीं उठानी पड़ेगी। नहीं नहीं, रोटी खाते हैं लेकिन पूरी भी खाते हैं, हैं? अरे भैया कहें कि पूरी बाबा जी आपने तो मना किया, कहें हम इससे ज़्यादा पूरी ले आते हैं, कहा भगवान। चलो अच्छा है, आप लोगों को इतना हनुमान जी ने परीक्षा तो लिया, कम से कम आप लोग खड़ी तो उतर गई मेहनत करने में। तब सब बच्चे मेहनत किए हैं। हाँ, कभी हो तो आप बंदर भोज जरूर करें। और भौरेश्वर आपको दिखा दिया जाएगा, बेटी जाएगी दिखा देगी, तो भौरेश्वर आपके बहुत करीब पड़ेगा, बहुत करीब, आधे घंटे में आप पहुंच जाइएगा, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगता है। और जाइए बंदर को चना गेहूँ छीट दीजिए, जिसका जन्मदिन हो कुछ भी हो, और इनके और शंकर जी का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है वो। तो कुल मिला करके हमने यही दिखाया आप लोगों को, और आप लोग सीखिए, कुछ कीजिए। और अब की बार मिश्रा जी ने कहा है, सुरेश जी कहें कि अब की बार हम 3-4-5 गाड़ियाँ लेके आएंगे। अरे हम कहा हमारा पूरी दुनिया फिर देखेगी, और अच्छी बात है भाई, क्योंकि ये मंदिर में लड्डू चढ़ा के हम लोग खुद ही खा रहे हैं और बंदर भूख से मर रहा है। हाँ, हाँ, हनुमान जी की पूजा होती है, रामायण बैठती है, हाँ, सब कुछ होता है। हाँ, लेकिन तीसरे मंगल, लेकिन अब बंदर, पहले बंदर खिलाइए तब हम आदमी को खिलाइए। हमारे मंदिर है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, मंदिर है आपका? मंदिर है। अच्छा अच्छा, हजरतगंज में है? हाँ। अच्छा, तो भरे सड़क पे पड़ता है, ये इसके पीछे वाला रोड है। अच्छा, जय श्री।